हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे और हमारे साहब जी भी बहुत अच्छे हैं। देखो पीछे बैठ के उनका नाश्ता चल रहा है और आज लेट हो गए हैं वो, 9 बजने वाला है, 9:15 हो रहा है ना। आज लेट हो गए हमारे साहब जी नाश्ता करने, क्योंकि भावना एक्सप्रेस जो है वो थोड़ा टाइम लेट हो गई है, क्योंकि आज आ गई है हमारे वहाँ धूप, तो धूप में वो कपड़े वगैरह सुखाने लग गई होगी मुझे लग रहा है, तो लेट हो गए। और देखिए मैं भी बहुत सारा काम कर लिया है सुबह से, एक बार कपड़े धो के डाल दिए हैं ऊपर छत में और अभी दोबारा कपड़े धोने हैं और पुराने कपड़े भी डाल दिए हैं। और मैं चलो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कर दिया आज सुबह से, गजब ढा दिया है मैंने तो। आज साहब जी के कपड़े नहीं धुले क्योंकि वो सोए रह गए है ना, कपड़े धोने। धो दिया तुमने पहले? हाँ वही दो ही धोए मैंने जो वॉशरूम में पड़े हुए थे, हाँ, बाकी मुझे अंदाज नहीं आया। शाम की इवनिंग पीछे ड्रेस तो धो दिया था। और धोने हैं तो बता दो, अभी और धो देते हैं, धूप आ रही है, धूप का फायदा उठा लेते हैं जल्दी जल्दी। ऐसा लग रहा है मानो कि क्या जो आ गया है आज, क्या जो मिल गया है, इसलिए फटाफट काम हो रहे हैं। तो ये देखिए मैंने क्या क्या काम किया है, चलिए दिखाती हूँ आपको बैक कैम से। और ये देखिए पहले तो आप देखिए धूप आ चुकी है बढ़िया सी, ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है। और ग्रैमी जो है वो छाया में लेट रही है क्योंकि उसको लग रही है धूप। और ये देखिए मैंने अपने प्लांट्स भी धूप में रख दिए हैं सब, और ये चादर सुखाने डाल दी है, और ये मैंने अचार बनाया था तो अचार भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है, और ये तेजस के नए जूते आए हैं अभी ऊपर डालने हैं। और नाश्ते में देखो जी वही पुरानी चीज़ें चल रही हैं, ये देखिए कितना बड़ा सा चीला बन रहा है और ये बन रही है भट्ट की चुटकानी। ये पीली क्यों हो रही है, क्यों डाली हल्दी? थोड़ी सी डाल दी, फिर इतनी थोड़ी ना डालते कि पीली हो जाए हरी चुड़कानी। अभी हो जाएगी ना हरी, हाँ अभी पक के गाइस हरी हो जाएगी हमारी चुड़कानी। हमारी भावना मैडम ने उसमें डाल दिया है हल्दी, ज़्यादा डाल दी लग रहा, उसको हो रही थी जल्दी, यहाँ देख उसको हो रही थी जल्दी, उसने डाल दी है ज़्यादा हल्दी। चलो जी चलो अब हम चलते हैं, और भी काम है हमारे सब, तो देखते हैं क्या क्या काम होता है। अभी थोड़े से मेरे पास कल के फूल बच गए थे तो मैंने सोचा ये हाथी में भी लगा दूँ, तो देखो कितना प्यारा प्लांटर है हाथी वाला, और इसके ऊपर फूलों का वो लग गया। अब मेरे को ये भी, कल ये मुझसे निकल नहीं पा रहे थे, देखो ये भी ऐसा हो रहा है, अभी इसका भी बनाती हूँ मैं। क्या कर ली है, छाता उल्टी तूने करी है मेरी, सब छाता उल्टी कर दी, छाता सुखाने डाली थी सब उल्टी कर दी इसने मेरी छाता है, पता नहीं इसने करी किसने करी, हाँ या हवा से हुई होंगी। सूख गई है हमारी छाता, डोरमेट भी डाल रखा है सुखाने के लिए, देखो इसके नीचे कितना पानी निकल रहा, बाप रे। अब इसको दूसरी जगह में डालते हैं। ग्रैमी रोटी खाएगी है, लोटी खाएगी तो लोटी खाएगी, लोटी नहा धो लिया कर जरा कभी। मैं कपड़े भी सूख गए होंगे, कौन लाएगा, तेजस लाएगा? आप लाओ, सुबह से मुझे ही काम करना पड़ता है भाई इस घर में। कॉफी बनाऊंगा मैं, आप ले आओ बस छत से, मैं पापा को भेजती हूँ, रुक माल देती हूँ क्योंकि हो चुका है मेरा काम। अब मैं जा रही हूँ कपड़े लेने छत में, कपड़े लेके आती हूँ। तू बना फिर, चल कॉफी बना तेजस, तू कॉफी बना, मैं वो लेके आ रही हूँ, ठीक है? मैं आपका फोन लेके जा रहा हूँ शूटिंग के लिए। मार खाएगा मेरा फोन, मत ले जाना बिल्कुल, हाथ मत लगाइयो मेरे फोन में, मैं तो लगा बिल्कुल हाथ मत लगा। सुनो, हाँ क्या बोल। अरे ये संभाल रही हूँ सामान, अरे यार कपड़े लेने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मेरे को जरा फोन दे दो यार अपना। क्यों दो तुझे मैं अपना फोन,
वीडियो बनानी है रे। अच्छा, और पहला वाला फोन तूने मेरा तोड़ ताड़ दिया। हाथ मत लगाना मेरे फोन में, बता दिया मैंने। हाँ ना, मुझे वीडियो बनाने के लिए चाहिए रहता है। मैं भी तो आज ही बना रहा हूँ। पटक के ले आया था ये मेरा वाला फोन, बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने। वो भी आईफोन था। कौन देगा यार ऐसे लोगों को अपना फोन। हाथ लगाने की कोशिश मत करना तू। भाई जिस दिन अमीर होऊंगा ना, 10 iPhone लूंगा। तू सब कुछ मांग ले, लेकिन तेरे को फोन नहीं मिलेगा, वो भी मेरे। दे दो यार फोन यार, मम्मी यार आज ही तो मांग रहा है। देख यार तू मुझे तंग मत किया कर, अगर ज्यादा तूने बकवास की ना ये पड़ जाएगा तेरे सर पे। हाँ चल मुझे जाने दे, मेरे को कपड़े लाने, बहुत काम है मेरा। तेरी तरह फालतू आदमी नहीं हूँ मैं। आदमी हो गया। और ये देखो जूते मंगा के यहाँ फेंक रखे, अभी मैं घुरी गई थी इससे। संभाल उनको। लो यार मैं तो कपड़े ले आई। अब ये जिस जिसके है ना, अपने अपने कपड़े कृपा करके तह करो, लाए भी नहीं जा रहे मुझसे। गिर गया, यहाँ पे रख दिया। इतने सारे कपड़े, बाप रे। अभी और हैं ऊपर। दूसरी बार में कौन जाएगा? हंसिका। तू क्यों नहीं जाएगा? मैं तो मालिक हूँ। ए मालिक साहब जाएंगे फिर घर के, नौकर जाएंगे ना। चलो अब मैं इनको तह करती हूँ। सब अपने अपने कपड़े तह कर लो, मेरे से नहीं हो पाएंगे। इतने हाथ जोड़े हैं आप लोगों के, कृपा करके अपने अपने कपड़े ले जाओ। कर दिया, आप भूल गए। ये दिन दहाड़े किसने निकाला है? मैंने। तुम कहीं गए थे क्या? मैं गई थी मार्केट। अच्छा। मैंने सोचा मार्केट हो आऊं, जल्दी से तैयार हुई, तुम सो रहे थे। हाँ हाँ। तो मैं चले गई। अब मैं इसलिए गई दौड़ दौड़ के, मैंने आपसे कहा चल रहे हो मार्केट, आप सो रहे थे। मेरे को तो जाना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ दिया था सिलने के लिए। 5 तारीख की डिलीवरी थी, तो मैंने कहा वो सोचेगा आई नहीं रही। और ये बरसात इतनी ज़्यादा हो रही थी 3 दिन से, तो जाने का मौसम नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो ले आऊँ। और गई थी तो मैंने सोचा चलो छाता ले लेती हूँ। 3 छाता ले आई मैं। हाँ 1 2 3 ले आई हूँ। ये इनके कवर हैं, ये मैंने चेक करी, इसलिए फिर डाले नहीं कवर में। मैंने कहा देर हो रही है, कौन लगा रहे है। हाँ तो ये छाता मेरे को मिली है। कैसी लग रही? अच्छी लग रही, ग्रीन अच्छा है ना, मस्त लग रही ना। अच्छा हाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है आजकल की छाता है ना। ये जो वाली, ये वाली ग्रीन वाली है ना, ये 250 रुपये की है। और ये 150-150 की, पहले 100-100 रुपये में नहीं आ जाती थी ये। हाँ। ये छोटी छोटी हल्की हल्की ठीक है यार, वो बहुत बड़ी हो रही है मेरे लिए वाली छाता है। तो 2 ले आई मैं 150-150 की, 1 ले आई मैं 250 रुपये की, और 1 ले आई अपना ब्लाउज़। मार्केट से मैं इतना काम करके आई हूँ। और 1 ये डिलीवरी बॉय खड़ा था घर के बाहर। चलो अब इसको भी खोल के देख ही लेते हैं इसमें है क्या। कटर लेके आते, जरा कटर ला रहे हैं हम, देखती हूँ क्या आया इसमें ना। याद नहीं है मुझे मेरा, मंगाया होगा तभी तो आया होगा। हाँ कुछ फ्लावर लावर मंगाया होगा, वो फ्लावर बेकार हो गए थे ना घर के। खोलती अच्छे से हूँ, कहीं फिर रिटर्न भी करने पड़ जाते हैं ना कभी कभी। हाँ लीव्स आए हैं इसमें, हैंगिंग लीव्स। अच्छा छोटा सा पॉट आया है ये, मैंने तो बड़ा ऑर्डर किया था, ये इतना छोटा सा क्या आया है? अभी मैं चेक करती हूँ इसको। ऑनलाइन ने भी गजब कर दिया यार। ये छोटा ही क्या होगा, अभी देखती हूँ कौन सा किया था मैंने। तो लगता अच्छा ही रहा, ग्रीन ग्रीन सा। वो वहाँ पे रखने के लिए मंगवाया ना, रास्ते के लिए। दिखाओ तो कहाँ है। थोड़ा सा बेचारा सिकुड़ सुकुड़ सा गया है। ठीक आ रहा है ना, फैल जाएगा अभी तो। ये तो है। अब मेरे को लेकिन एक डाउट हो रहा है, ये ब्लाउज़ मैंने बिना साड़ी में रंग मिलाए ख़रीद लिया है। अब मैं देखती हूँ, मैंने अंदाज से ख़रीदा कि ये कलर चाहिए, मैं साड़ी लेके आ रही हूँ, सही है नहीं है कलर, चेक कर रही हूँ।
बोल रहा था आप साड़ी लेके आओ साड़ी लेके आओ। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे याद है कलर, याद है कलर। लेकिन देखो कितना एक्यूरेट कलर लिया है मैंने ना, दोनों साड़ियों में मैच हो रहा है। मुझे याद था ना ये सही है ना। हाँ अब मैं इन साड़ियों को पहन लूँगी, मैंने फॉलोअर लगा रखे हैं। आप कब पहनते हैं? बारिश ही पीछा नहीं छोड़ी है। अब अक्टूबर से पहनना। अक्टूबर से? अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर तक तो बारिश ही रहती है 20 तक। हाँ चलो अब ये सब संभालना भी तो पड़ेगा। अभी छाता मैं इसलिए ले आई ना, तीन दो तो हमारे पास घर में है कि लोग आते हैं कभी कभी कहते हैं एकदम से बारिश शुरू हो जाती मंदिर में, कहते छाता दे दो छाता दे दो। फिर छाता ले जाते हैं तो वापस नहीं करते, याद ना उनको याद रहती देने की ना हमको याद रहती लेने की। इसे हर बार इतनी छाता खरीदते हैं और फिर एक भी छाता नहीं होती हमारे पास, टूट भी जाती है। कितने लोग तो मंदिर में भी छोड़ जाते हैं अपनी छाता, फिर हम उनको वापस कर देते हैं ना मांगने आते हैं तो। हम दूसरे को दे देते हैं छाता वाता, तो किसी का लेना भी नहीं चाहिए जो मांगता उसको तो वहीं पर रखे रखते हैं। चलो फिर अब संभाल देते हैं इन सामानों को। हाँ साहब जी कब जा रहे हो फिर अमरनाथ? अरे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया मैंने आज। क्यों? अरे वो जैसे ही रिजर्वेशन करा रहा हूँ, जैसे कर रहा था वैसे वो खबर पड़ी मैंने। हाँ। कि वहाँ तो शिवलिंग ही पिघल गया है, छोटा हो गया मतलब बहुत ही, जैसे और बार काफ़ी बड़ा होता था ना। हाँ। जैसे 10-12 फुट ऊंचा हो जाता था, इस बार वो 5 फुट में पहुँच गया है, तो वो हमारे जाने तक तो पिघल ही जाएगा पूरा। इतनी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है। मुझे छोड़ के जा रहे थे तुम, मुझे हेकड़ी दिखा रहे थे, मजा आया। मुझे हेकड़ी दिखाओगे तो ऐसा ही होगा, वहाँ शिवलिंग तक पिघल गया, मेरे को हेकड़ी दिखा रहे। मेरा प्रोग्राम बन रहा था। सुनो तुमने अपना नुकसान तो कराया, औरों का भी नुकसान करा दिया जो वहाँ पहुँचे पड़े। क्योंकि मैं वैष्णो देवी तक तो गया हूँ, अमरनाथ जाने का मौका कभी नहीं मिला, श्रीनगर भी गया। हाँ, जो होता होगा। एक बार हमने ना वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बनाया, मैं तो अकेले तो जा गया। हाँ लेकिन वो दूसरे दिन खबर आ गई कि वहाँ हवाई जहाज गिर गया। हम हवाई जहाज से जाने वाले थे ना, हेलीकॉप्टर से। हाँ हेलीकॉप्टर से। और अमरनाथ को जैसे ही हमारे साहब जी ने प्रोग्राम बनाया जाने का, वैसे अकेले जाने का बना रहे थे वो, मुझे छोड़ के जा रहे थे इस बार, तो वहाँ शिवलिंग ही पिघल गया पूरा। आप क्या कहते हैं 52 दिन में होती है शायद वहाँ की यात्रा पूरी, और वो हो रही है 6 दिन में, तो मतलब पिघल गया लेकिन यात्रा तो चालू ही है। कोई फायदा थोड़ी है फिर वहाँ जाके। आप लेकिन वहाँ बालटाल में बहुत बारिश हो रही हो रहा। बालटाल तो बहुत टफ। भावना क्या बना रही है आज? ओ भावना भिंडी भिंडी बना रही, दाल बना रही है। चल ठीक है, आज तो बारिश रुक गई यार, अब मौसम ठीक हो गया है। वो कानों का नाम लेके बारिश रुक गई। वाह कानों में दम है भाई। था ना कल के ब्लॉग में कि कानों का नाम लेते थे तो बारिश रुक जाती थी। कोई भी 5-6 कानों का नाम। कितने हो यार आप? क्या रेसिस्ट की क्या बात है, आजकल तो काने ही नहीं होते हैं भाई। पुराने जमाने की कहावत बता रहे थे। उसमें एक कमेंट भी आया, आंटी आजकल लोग आंख से काने नहीं है दिमाग से काने है बस। मैंने उन 6 दिमाग के कानों का नाम लिया बस, और बारिश रुक गई। आज हमारे घर में बन रही है अचारी भिंडी, और ये बन रही है देखो गरम गरम रोटी मस्त, और ये बन रही है दाल। अचारी भिंडी बताओ कैसे बनेगी भावना? इसमें अचार का मसाला डाल देंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगी अचारी भिंडी। है ना सरल तरीका अचारी भिंडी की रेसिपी का? बहुत टेस्टी होती पता, इसमें अचार का मसाला डाल दो तो। अचारी भिंडी के लिए तो इसके टुकड़े बड़े बड़े करती ना तो और टेस्टी बनती है, छोटी भिंडी काटने में कचारी भिंडी हो जाती है।